हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आर्या करियर एकेडमी। आज हम लोग डिस्कस करेंगे बुक्स कौन कौन सा फॉलो करें सीजीएल 2018 के लिए। और आप विश्वास करिए कि यही सारे बुक पढ़कर बहुत सारे लोग एग्जामिनर, प्रिवेंटिव ऑफिसर या फिर बहुत सारे डिपार्टमेंट, इवन एओ पिछले साल 100 मतलब जो लाए हैं वो भी यही बुक फॉलो किए थे। सिर्फ एओ के लिए अलग बुक फॉलो किए थे, बाकी सारा जो टायर वन टायर टू का यही सेम पैटर्न। आप एक एक चीज़ पढ़ जाओ, आपको 100% अच्छा नंबर आ जाएगा। और इस बार क्या चेंजिंग हुआ, इस बार के लिए कौन सा एक्स्ट्रा बुक पढ़ना होगा, इसका भी डिस्कशन करेंगे। तो चलिए देखते हैं, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले मैथ के लिए आप ये दोनों बुक में से एसएससी मैथ और या तो किरण या फिर राकेश यादव, ये दोनों में से कोई एक बुक ले लीजिए। मेरा गाइडेंस रहेगा कि आप राकेश यादव को लो, क्योंकि राकेश यादव का जो है ना ये सॉल्यूशन थोड़ा सा इनका ठीक है। और राकेश यादव का जितना भी मैथ है, मतलब कि एक एक क्वेश्चन या किरण का एक एक क्वेश्चन, जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, ये सारे हम बाय वीडियो प्रोवाइड कराएंगे आपको। एक एक क्वेश्चन को सॉल्व कर सारे को समझा कर सॉल्यूशन हम लोग देंगे इसका, ठीक है। जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है 10,000 लगभग। उसके बाद ये दोनों बुक में से कोई एक, दोनों प्रीवियस ईयर है, आप जिस पर कमांड करना चाहो एक ही बुक को 8 से 10 बार बनाओ, ताकि आपका जो स्पीड है बहुत अच्छा हो जाए। और इस बार को ध्यान में रखते हुए इस बार अब आपको क्वांटम कैट भी बनाना पड़ेगा, और इसका भी हर एक चीज हम डिस्कस करेंगे। लेवल टू तक का जितना भी लेवल वन लेवल टू है, सारा क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे ऑनलाइन क्वेश्चन के साथ, ठीक है। और इसको भी अब बनाना जरूरी हो गया, क्योंकि सीजीएल जो 2017 का मेंस हुआ है उसमें इससे क्वेश्चन डायरेक्ट आया है। लगभग 15 से 16 क्वेश्चन जो है ज्योमेट्री का, तो खास करके 80% क्वेश्चन इसी से आपको लेकर वहां कॉपी पेस्ट कर दिया गया है। तो अब ये बुक भी इंपॉर्टेंट हो जाए, क्योंकि लेवल बढ़ गया है अब। तो सबसे पहले आप ये दोनों में से कोई एक बुक बनाओ, तीन चार बार, उसके बाद फिर क्वांटम कैट पर आओ, क्वांटम कैट का लेवल वन और लेवल टू। और आप एक चीज याद रखो कि इसमें जो डाउट होगा आप मेरे कमेंट सेक्शन में आप क्वेश्चन नंबर लिख के बता सकते हो, उस क्वेश्चन का वीडियो हम बनाकर, वैसे भी हम सारा क्वेश्चन लेवल डिस्कस करेंगे लेवल वन टू का, मगर स्पेशली अगर आपको डाउट होगा तो देखेंगे, जिस जिस क्वेश्चन का डाउट होगा उस क्वेश्चन का एक वीडियो हम बनाकर डाल देंगे, ठीक है। अब देखिए, इंग्लिश के लिए आपको सबसे पहले प्लिनिथ टू पैरामाउंट, इसको लाइन बाई लाइन आपको पढ़ जाना होगा, क्योंकि बहुत ही अच्छा बुक है, नीतू मैम के द्वारा लिखा गया है, ठीक है। और इसके बाद जब ये आपको पूरी तरह से कर ले तो आप एक बार बख्शी पर जाएं, क्योंकि बख्शी का जो ग्रामर है ना, जो आप इसका चैप्टर नहीं पढ़े, सिर्फ इसका 50-40 जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसको करो, क्योंकि उसका जो एरर होता है ना डायरेक्ट मेंस में आया हुआ है। आप जब एक बार देखोगे, प्रीवियस ईयर लगाओगे जब इसको सॉल्व करने के बाद, आप देखोगे कि ऑलमोस्ट एरर जो है इससे बहुत सारा एरर डायरेक्ट पूछा गया है। तो इसका एरर आप करो, इसका थ्योरी मत पढ़ो, इसका एरर करो, और जो थ्योरी पार्ट है वो प्लेनिट टू पैरामाउंट से सारा करो, इससे ज्यादा कुछ जरूरी नहीं है, ठीक है। उसके बाद आप जब ये दोनों कर लो, पूरा थ्योरी आपका क्लियर हो जाए, तो आप देखो ये दोनों बुक को तो आपको 3 से 4 बार मिनिमम लगाना होगा, क्योंकि 1997 से 2012 तक इसका पेपर है, और इसमें 13 से लेकर 16 तक है, और 17 वाला अब इस बार आ जाएगा मार्केट में, ठीक है। तो आप 2017 तक अगर पूरा इंग्लिश 4 से 5 बार लगा गए तो आप विश्वास करो 150 प्लस आपको जाने से कोई नहीं रोक सकता है, क्योंकि बहुत सारे मेरे मित्र भी जो क्वालिफाई हुए हैं, सारे लोग 150-160 सिर्फ ये दो बुक पढ़कर लाए हैं और थ्योरी अलग से पढ़े हैं। तो आप ये दो बुक को इंग्लिश के लिए प्रैक्टिस के लिए फॉलो कर सकते हो, और कुछ मत प्रैक्टिस करो, ये दोनों को प्रैक्टिस करो, ठीक है। अब देखिए, इंग्लिश सबसे बड़ा जीएस का हेडक होता है, तो जीएस के लिए आप मनोहर पांडे का बुक ले लो, इसका 130 रुपया दाम है, ठीक है। और इसमें टू द पॉइंट दिया है, आप 25 क्वेश्चन में से विश्वास करो लगभग 18 क्वेश्चन निकाल सकते हो, अगर लाइन बाय लाइन इसका पढ़ा हुआ है तब। आप नहीं विश्वास है तो आप एक बार इसको कर लो, और उसके बाद प्रीवियस ईयर पर जाओ, देखो 90% केस में इसका पूरा सॉल्यूशन इसमें मिल जाएगा, ठीक है। तो जनरल अवेयरनेस के लिए आप देख लिए बुक कि आपको ये दोनों पढ़ना होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, रीजनिंग के लिए सिंपल सा है, आदि आप प्रैक्टिस करना चाहो तो इससे आप प्रैक्टिस कर सकते हो। और आप इसके बाद सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है किसी चीज के लिए टेस्ट,
आप अगर हर दिन, आपको आए या ना आए कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको 50 नंबर ही आए 200 में कोई फर्क नहीं पड़ता है प्री का, मगर आपको टेस्ट हर दिन देना है और हर दिन एनालाइज करना है उसको। और हर दिन अगर ये काम आप 3 महीना कर लिए तो आप विश्वास करो कि आपको 160+ नंबर आ जाएगा, ठीक है। और मेंस के लिए भी उसी तरह आपको करना है, आप जितना प्रैक्टिस करोगे उससे ज़्यादा आपको टेस्ट देना है, जितना ज़्यादा आप बुक पढ़ने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको टेस्ट पर देना है। आपको भले ही कम नंबर आए कोई फर्क नहीं पड़ता है, मगर आपको टेस्ट देते रहना है और अपने इम्प्रूवमेंट को देखते रहना है कि कौन कहाँ पर क्या गलती है। जैसे कि आप मान लो जीएस किए, तो जीएस में अगर आप करते हो और जीएस में अगर आपको देख रहे हैं कि पॉलिटी अगर गलत हो रहा है तो पॉलिटी को एक बार इस बुक से पढ़ लो, साइंस गलत हो रहा है साइंस पढ़ लो, तो इस तरह आप अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हो। और देखिए वोकैब के लिए आपको एक बात बताते हैं, ये दोनों बुक जब आप करोगे तो आपके पीछे जो होता है, जैसे जैसे ही चैप्टर खत्म होगा पीछे में वोकैब होगा, और ये दोनों बुक का भी हम मतलब कि मोस्ट प्रोबली ये सारा प्रीवियस ईयर ही है, तो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन जितना भी है हम वीडियो में डिस्कस करेंगे धीरे धीरे करके। आप फॉलो कर लो और सब्सक्राइब कर लो, आपको सारा कुछ मिलेगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल।